मैच आपके जबड़े से निकाल लिया आज को एडिटर्स ने। बाबर आजम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, 16 रन से जो है पेशावर जलमी ये मुकाबला हारा है। मोहम्मद आमिर और सरफराज खान, सरफराज अहमद की शक्ल पे खुशी देखें आप। आप खुशी मतलब हटी नहीं रही, वो इसलिए खुश नहीं है कि टीम जीती है, वो इसलिए खुश है कि बाबर को हराया। कम से कम अब कप्तानी चली गई पाकिस्तान की तो थोड़ा बेटर खेल रहा है, ये बात सच है। इसमें मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा, जो मैंने बैटिंग देखी बाबर आजम की न्यूजीलैंड में, जो मैंने बैटिंग आज भी देखी है, वो थोड़ी पहले से तेज है T20 में। कि बाबर आजम ने खुद इमामुल हक को बोला था कि यार मुझसे मैच फिनिश क्यों नहीं होता। ये दोनों अंग्रेज मिलके आज हरवाया है पेशावर जलमी को, निकालो इसको टीम से, कोई काम नहीं है इसका। बाबर आजम का गुस्सा जो है टॉम कॉलर कैडमोर पे जम के फूटा है। मिडिल ऑर्डर जितने बल्लेबाज थे सबने हमारा टीम के ना मोए मोए कर दिया एकदम से। ये टॉम कॉलर कैडमोर और डैन मूजली, ये दोनों को बाहर बिठा और बेल्ट से अलग स्वागत करो ड्रेसिंग रूम में। मैच आपके जबड़े से निकाल लिया आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने यहां पर भगा भगा के, दौड़ा दौड़ा के मारा पेशावर जलमी को। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता यार ये चेस करना चाहिए था। फिर मोहल्ले में कोई नहीं आया, 6 ओवर में 70 आई बाबर की, हार गया। 6 ओवर में 70 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप शुरुआत में हो गई थी। सेम अयूब बाबर आजम जिस तरीके से रोइया रोइया था, उन्होंने गेम का बेड़ा गर्क करवा दिया बीच के ओवर में। ये अभी भी सही बोला आपने कि अभी भी अगर आप मोहम्मद आमिर को चूज कर लें वर्ल्ड कप के लिए तो बेटर चॉइस है, जो आपका कप्तान बना फिर रहा है ना फर्जी शाहीन शाह, दी एंडीजे डीगल, एक्सटिंक्ट टीगल, अफरीदी, उससे बेटर बॉलर है ये आज की डेट में भी। एक जीता हुआ हारा मैच हरवा दिया वो गोरा टॉम कॉलर कैडमोर बहन का, आप समझ जाओ समझ जाओ। आज मैच पूरी तरह से पेशावर जलमी के गिरफ्त में थी। मोहम्मद हारिस आउट होता है और उसके बाद ये टॉम कॉलर कैडमोर आता है, 18 बॉल पे 18 रन। बाबर अच्छा खासा स्ट्राइक रेट से रन बना रहा था लेकिन उसको स्ट्राइक रेट नहीं दे रहा है, स्ट्राइक नहीं दे रहा और खुद सिंगल 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 ले रहा है, बॉल खा रहा है भाई। और बीच में उस बंदे ने एक छक्का मारा जिससे ना थोड़ा सा स्कोर बराबर हुआ और मैच पेशावर जलमी को हरवा दिया इस बंदे ने। बाबर आजम ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, 16 रन से जो है पेशावर जलमी ये मुकाबला हारा है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने 16 रन से पेशावर जलमी को हरा दिया। बाबर आजम के लिए मैच, बाबर आजम के फैंस के लिए यह जबरदस्त रहा, लेकिन ओवरऑल अगर प्रदर्शन देखे तो पेशावर जलमी के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। यह सिर्फ और सिर्फ वन मैन आर्मी रहा जिसका नाम है बाबर। बाबर रन बनाया, बाकी के सारी की सारी टीमें फ्लॉप हो गई, सारे के सारे खिलाड़ी फ्लॉप हो गए। क्वेटा वालों ने गेंदबाजी में इतना बढ़िया एग्जीक्यूशन किया, उनके गेंदबाज मोहम्मद आमिर, मोहम्मद हसनैन, सारे के सारे गेंदबाजों ने मिलकर अच्छे से योगदान दिया और ये पेशावर जलमी के गेंदबाजों ने सबसे पहले बेड़ा गर्क किया, उसके बाद इनके बल्लेबाज टॉम कॉलर कैडमोर, वो जो गोरा है, मैं क्या बताऊं यार, अच्छा खासा मैच जीता हुआ था। 12 का रन रेट था एक समय जब बाबर आजम सैम अयूब खेल रहे थे, सैम अयूब के आने आउट होने के बाद भी जब मोहम्मद हारिस आए तब रन रेट थोड़ा सा नीचे गिर गया था, 11-10 तक आया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब जे टॉम कॉलर कैडमोर आया ना वहां से मैच पलट गया पूरी तरह से और मैच हरवा दिया। आज टॉम कॉलर कैडमोर पेशावर जलमी के लिए नहीं खेल रहा था बल्कि वो खेल रहा था क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए। 16 रन से मैच हारा है, 190 रन ही पेशावर जलमी की टीम बना सकी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 206 रन बनाए थे, 207 रन का टारगेट, साउथ शकील ने 50 लगाई, जसन रॉय ने 50 लगाई और पेशावर जलमी का अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो सिर्फ इसमें आपको वन मैन आर्मी दिखेगा जिसका नाम है बाबर आजम। 42 बॉल पे 68 रन, 162 का स्ट्राइक रेट, 26 बॉल पे 42 रन, सैम अयूब इनका 162 का स्ट्राइक रेट, 91 पे पहला विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद ये टॉम कॉलर कैडमोर आया है और मोहम्मद हारिस के बारे में क्या बताऊं यार, वो बंदा मैच पूरी तरह से फेंक, अपना विकेट फेंक के गया यार, इतना कीमती विकेट था, अपना विकेट वो बंदा जो है फेंक के चला गया। मोहम्मद आमिर और सरफराज खान, सरफराज अहमद की शक्ल पे खुशी देखें आप। आप खुशी मतलब हटी नहीं रही, वो इसलिए खुश नहीं है कि टीम जीती है, वो इसलिए खुश है कि बाबर को हराया। जिसकी तारीफ बनती है उसी करेंगे, मोहम्मद आमिर की तारीफ बनती है यार, उसने तुम्हें जिताया हुआ है, जिताया हुआ है, उसकी तो इज्जत कर लो।
फकर जमान की इज्जत कर लो, तुम सबको छोड़ दो भाई, सरफराज अहमद को तो तुम भूल ही गए। क्यों तुम अपना वो कप्तान जिसने तुम्हें जिताया हुआ उसकी बेइज्जती करते हो? कॉन्फिडेंस देखा उसका आज? आप एक मेरे को बात बताओ, आप पेशावर जलमी को सपोर्ट कर रहे थे कल से, आप बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे थे, और ऑनेस्टली मैं सरप्राइज हूं थोड़ा कि बाबर आजम की स्ट्राइक रेट ऊपर हुई है, इतनी स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहा था, कम से कम अब कप्तानी चली गई पाकिस्तान की तो थोड़ा बेटर खेल रहा है, ये बात सच है, इसमें मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। जो मैंने बैटिंग देखी बाबर आजम की न्यूजीलैंड में, जो मैंने बैटिंग आज भी देखी है, वो थोड़ी पहले से तेज है T20 में, वरना वो T20 खेल ही नहीं पा रहा था। जब से कप्तानी का बोझ हटा है वो भी थोड़ा रिलैक्स हुआ है, पहले से बेटर बैटिंग कर रहा है, मैंने बिल्कुल माना। चाहे वो आपका एशिया कप हो, वो फ्लॉप था T20 का, वैसे तो वनडे में भी फ्लॉप था, चाहे वो आपका वर्ल्ड कप हो, T20 का फ्लॉप था। एक आप वो सेमीफाइनल वाली इनिंग गिनाते हो जहां पे उसकी कैच ड्रॉप हो गई थी, फिर वो 150 चेस करना था, कर गया था, वो 150 मिल जाए उसको, उसके बॉलर देते कर देता है वो, लेकिन फिर वो वनडे में भी फ्लॉप था, एशिया कप में, और वो ओडीआई में फ्लॉप था। जब से उसने कप्तानी छोड़ी है T20 में मुझे इंप्रूवमेंट दिख रही है, मैं सच बोलूंगा, T20 में मुझे बाबर आजम की स्ट्राइक रेट ऊपर होती हुई दिख रही है। लेकिन फिर वही सवाल है पांडे जी कि ये आदमी जो इमामुल हक ने, इसके सबसे बड़े चमचे ने, बैठ के पर्ची ने बैठ के इसको बोला था कि भाई, ऑन एयर बोला था, शाहिद अफरीदी वगैरह ये सारे बैठे हुए थे, एक शो हो रहा था, कि भाई बाबर आजम खुद मुझे बोलता है कि मुझसे मैच फिनिश क्यों नहीं होता, और मेरा शोएब अख्तर का इंटरव्यू पड़ा हुआ है जिसमें शोएब अख्तर ने बोला है कि इसकी स्ट्राइक रेट का मसला पड़ा हुआ है T20 में। अब तो खैर स्ट्राइक रेट आज तो अच्छी थी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जब उसने वनडे पे कॉन्सेंट्रेट करा T20 की स्ट्राइक रेट चली गई। लेकिन बात वही है कि भाई जो उसने इमाम को बोला था, खुद बाबर ने, इमामुल हक के वर्ड्स है मेरे नहीं, कि बाबर आजम ने खुद इमामुल हक को बोला था कि यार मुझसे मैच फिनिश क्यों नहीं होता, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि यार ये अच्छा खासा खेलते हैं, मैच फिनिश क्यों नहीं करके जाता। इसके पीछे का रीजन जो मुझे जहां तक समझ में आता है कि बाबर आजम जिस तरीके से शुरुआत करते हैं और जिस इंटेंट के साथ बैटिंग चल रही होती है, आखिरी के 5-6 ओवर में, इनफैक्ट मैंने न्यूजीलैंड वाले दौरे पर पाकिस्तान की टीम गई थी जहां पे बाबर के 50-60 रन आ रहे थे, तेज आ रहे थे 160 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन जब जिताने की बारी आ रही थी जहां पर 4 ओवर में कुछ 50-55 रन चाहिए होते थे, वो नहीं जिता पाते थे। मुझे जहां तक समझ में आता है कि बाबर आजम क्या करते हैं कि बाबर को बस एक चीज सूझता है, आखिरी के 6 ओवर में 12 की रन रेट चाहिए, हवा में मार दो भाई, आपके पास वो ताकत नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि आप हर बार क्लियर नहीं कर सकते हो ग्राउंड, सही बात है, नहीं है। आप कोई रोमन पॉवेल, आप कोई आंद्रे रसेल नहीं हो, आपके पास ये नहीं है कि आप हर बार बैक टू बैक गैप में मारो, आप गैप प्लेस करो, आपका जो टेक्निक आप कर सकते हो फॉलो करो, कर भी सकता है वो, अच्छा एक ओवर में 3 चौके लगाओ, 2 चौके लगाओ, अरे छक्का लगा दो, हो गया आपका 14 रन आ गया। सोचा था, और ये डॉन क्या नाम है इसका, डैन मूसली भाई साहब, ये बंदा 12 बॉल में 11 रन बनाया, ये अंग्रेज गोरा पे भरोसा करोगे ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, एक छक्का मारा 92 का स्ट्राइक रेट से, कहां का भाई ऑलराउंडर है यार, ये कहां का ऑलराउंडर है, तुम डेथ ओवर्स में रना बॉल खेल रहे हो यार, हद करते हो। रोमन पॉवेल ने 9 बॉल में 17 बनाया, वो भी बंदा क्या करता साला, उसको स्ट्राइक रेट नहीं दे रहा है, ये डैन, ये दोनों अंग्रेज मिलके आज हरवाया है पेशावर जलमी को, निकालो इसको टीम से, कोई काम नहीं है इसका, इससे बढ़िया कोई पाकिस्तान का ही खिलाड़ी हसीबुल्ला को खिला लेते यार, अच्छा खासा इंटेंट है उस बंदे के पास, अच्छा खासा इंटेंट है, उसको खिला लेते यार, हद कर दिया यार। 190 रन पे पूरी टीम जो है एकदम से 20 ओवर में बना सकी यार, अगर बाबर टिका हुआ होता और ये टॉम कॉलर कैडमोर नहीं आता, रोमन पॉवेल आ जाता ना इससे पहले, कसम से 220 का भी टारगेट होता, वो भी अचीव कर लिए होते। बाबर आजम का गुस्सा जो है टॉम कॉलर कैडमोर पे जम के फूटा है। मैच के बाद जब बाबर आजम से पूछा गया तो उन्होंने बोला, देखो हमारे गेंदबाजों ने आज बहुत ज्यादा कुटाई करवाई है हमारी, हर ओवर में 10-10 रन दे रहा था, हर ओवर में 10-10 रन दे रहा था, कोई तो 20 रन भी दे रहा था। उसके बाद हमने स्टार्ट बहुत अच्छा किया सैम अयूब के साथ, अनफॉर्चुनेटली रहा वो बंदा कि रन आउट हो गया, लेकिन उसके बाद से मोमेंटम चेंज हो गया, मिडिल ऑर्डर जितने बल्लेबाज थे सबने हमारा टीम के ना मोए मोए कर दिया एकदम से। ये टॉम कॉलर कैडमोर और डैन मूसली, ये दोनों को बाहर बिठा और बेल्ट से अलग स्वागत करो ड्रेसिंग रूम में ले जाके इसको बाबर भाई, क्योंकि ये पेशावर जलमी के लिए तो खेल नहीं रहा था, ये खेल रहा था क्वेटा ग्लेडिएटर्स के लिए। मोहम्मद आमिर ने जरूर कुछ पैसा वैसा दिया होगा, दोनों फिक्सर ने फिक्सिंग की होगी, हद कर रखा है यार। मतलब आज का मैच जितना मुझे खुशी दे रहा था, बाबर ने 68 रन बनाया, 42 बॉल पे अच्छा स्ट्राइक रेट, 4 छक्का 4 चौका, सब कुछ अच्छा जा रहा था, 3000 रन भी भाई ने पूरे कर लिए, लेकिन बाकी के बल्लेबाज ने अपनी अम्मी क्या मैं छोड़ो यार, ये पता हो यार, मतलब इतना
पता है क्या, जब एक तरफा हार जाओ ना तो अच्छा लगता है कि चलो एक तरफा हार गए, है ना, हार गए। लेकिन जो मैच हाथ में है, जो मैच आप जीत रहे हो, तब अगर जाने देते हो ना तो यार कसम से दर्द होता है यार, कसम से दर्द होता है यार। टॉम कॉलर कैडमोर ने उस 18 बॉल पे अगर 18 रन बनाया, 18 बॉल पे वो 30 रन भी बनाया हुआ होता ना, तो भी मैच लगभग हम जीत जाते, कुछ तो बढ़ देता, बना देता, और हम लोग को सी बना के चला गया। बंद करो यार पीएसएल। पीएसएल 9 के आज दूसरे मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पिशावर जुल्मी को 16 रन से शिकस्त दे दी है। पिशावर जुल्मी ने आज टॉस जीतकर क्वेटा ग्लैडिएटर को पहले बैटिंग की दावत दी। क्वेटा ग्लैडिएटर ने 206 रन का हदफ पिशावर जुल्मी को मैच जीतने के लिए दिया। पिशावर के बॉलर आज अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके और जिसकी वजह से पिशावर जुल्मी को 206 का हदफ मिला। पिशावर जुल्मी का स्टार्ट बहुत अच्छा था जब तक बाबर आजम और साइम अयूब खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पिशावर जुल्मी आराम से मैच अपने नाम कर लेगा, लेकिन फिर एक मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से साइम अयूब रन आउट हो गया और फिर बाबर आजम भी ज्यादा देर क्रीज पर ना ठहर सके। बाबर आजम ने 42 बॉल पर 68 रन की शानदार इनिंग खेली जिसमें 4 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे, लेकिन बाकी के बैट्समैन बाबर आजम के बाद ढेर हो गए और 16 रन से पेशावर जुल्मी आज का मैच हार गई। सिर्फ 190 रन 206 रन के हद पर बना सके। बाबर आजम के हेटर्स को एक बार फिर मौका मिल गया ये कहने का कि आज भी बाबर आजम मैच फिनिश ना कर सके। हालांकि बार बार हम ये बता चुके हैं कि कितना भी अच्छा प्लेयर क्यों ना वो अकेला मैच नहीं जितवा सकता, ये एक टीम वर्क होता है। बॉलिंग भी फेल, बैटिंग भी फेल, तो भाई बाबर आजम कोई स्पाइडरमैन या सुपरमैन टाइप चीज तो है नहीं कि अकेला ही मैच स्टार्ट भी करे और फिनिश भी। खैर, आप लोग पेशावर जुल्मी की हार, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जीत के बारे में क्या कहेंगे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।